व्यवस्था विवरण अध्याय 12। व्यवस्था विवरण अध्याय 12। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होने, उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर व किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना और वही तुम अपने होम बलि, मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरों के पहलौठे ले जाया करना, और वहीं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना, जैसे हम आजकल यहां जो काम जिनको भाता है वही करते हैं वैसा तुम न करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्रांति दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटे और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, निदान जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उन सबों को वही ले जाया करना, और वहां तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हरेक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना, और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूं उसको वही करना, परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा, शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे जैसे कि चिकारे और हरिन का मांस, परंतु उनका लोहू न खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना, फिर अपने अन्न व नए दाखमधु व टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों व भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि और उठाई हुई भेंटे अपने सब फाटकों के भीतर न खाना, उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना, और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना, और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाएगा और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो तेरा स्थान परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए अपने लिए चुन ले वह यही तुझसे बहुत दूर हो,
तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हरिन का मांस खाया जाता है वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे, परंतु उनका लोहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लोहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी न खाना, उनको न खाना। उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना, तू उसे न खाना, इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तेरा और तेरे बाद के वंश का भी भला हो। परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे वा मन्नत माने तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, और वहां अपने होम बलियों के मांस और लोहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेल बलियों का लोहू उसकी वेदी पर उंडेल कर उनका मांस खाना। इन बातों को जितनी आज्ञा में मैं तुम्हें सुनाता हूं चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है तेरे आगे से नष्ट करे और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछपाछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसे ही करूंगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैरभाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है, यहां तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। जितनी बातों की मैं तुझको आज्ञा देता हूं उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उसमें बढ़ाना और न उसमें से कुछ घटाना।